नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो जो प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या है कि एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर एक मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में वह 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? यानी कि कोई खंभा है जो कि 80 मीटर क्या है ऊंचा है, और इस पर एक बंदर चढ़ रहा है। अब उसने कहा कि एक मिनट में वह 5 मीटर चढ़ जाता है, परंतु दूसरे मिनट में वह क्या होता है कि 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। ठीक, यानी 2 मिनट के समय में वह कितना चढ़ पाता है? वह 3 मीटर चढ़ पाता है, इससे सिद्ध हुआ। ठीक है, यानी कि पहले मिनट में क्या होता है, वो पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर की तरफ जाता है, और दूसरे मिनट में क्या होता है 2 मीटर वह नीचे आ जाता है। तो इन 2 मिनट में क्या कंडीशन हुई? इन 2 मिनट में वह कुल 3 मीटर खंभे पर चढ़ पाता है। ठीक है, अब 2 मिनट में 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर ऐसा ही वह चढ़ता जा रहा है। तो हम इसमें अगर 75 मीटर खंभे पर वह चढ़ेगा तो 2 मिनट में कितना चढ़ रहा था? 3 मीटर। तो 2 मिनट में 3 मीटर और चढ़ाना कितना है? 75 मीटर, 3 से काटेंगे, 25 75, 25 दूनी 50, यानी 50 मिनट में वह 75 मीटर खंभे पर चढ़ जाएगा। अब उसकी बारी फिर आई तो 1 मिनट में फिर कितना चढ़ेगा? 5 मीटर फिर चढ़ेगा। तो अगले मिनट में क्या होगा, वो 5 मीटर और चढ़ गया। अब 75 पहले हो गया था, 5 और हो गया तो कितना हो गया? 80 मिनट हो गया। कुल समय कितना लगा उसे? 50 मिनट और 1 मिनट, यानी 51 मिनट में वह उस खंभे पर चढ़ पाएगा। ठीक है, 75 मीटर पहले चढ़ गया और 5 मीटर एक दूसरी छलांग में चढ़ा, तो टोटल 80 मीटर हो गया। और 50 मिनट पहले लगे थे, 1 मिनट और लग गया, तो टोटल कितना लग गया? 51 मिनट में वह पूरे खंभे पर यहां तक, यानी 51 मिनट में पहुंचेगा। ठीक है, अब पहुंचा कैसे? पहले 75 मीटर खंभा जब चढ़ा तो कितना समय लगा? 50 मिनट, क्योंकि 3 मीटर के लिए समय लग रहा था 2 मिनट, तो हमने इसको निकाल दिया। और 1 मिनट में 5 मीटर फिर से चढ़ गया, तो टोटल हो गया 80 मीटर और समय कितना हो गया? 51 मिनट। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।